तो स्टूडेंट्स, तो माई सेल्फ अनिमेश सिंह आप लोग को साइंस मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं। चलिए, चैप्टर टू का क्वेश्चन आंसर मैंने अभी कुछ देर पहले अपलोड किया है। अब चैप्टर थ्री का थ्योरी कराता हूँ। तो चैप्टर थ्री आपका यूजफुल एनिमल, इसके पहले था यूजफुल प्लांट। इसमें हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, उससे यूजफुलनेस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है अपना डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल देखिए दो टाइप का एनिमल का बना हुआ है, एक है पेट एनिमल, एक है पेट एनिमल, एक है डोमेस्टिक एनिमल। एक है फार्म एनिमल, एक है पेट एनिमल। ये दोनों एनिमल मिलकर डोमेस्टिक। फार्म एनिमल किसे करते हैं? उस टाइप का एनिमल जिसे हम लोग पालते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। कमर्शियल पर्पस मतलब जिसे पाला जाता है रुपया अर्न करने के लिए, बेच के रुपया अर्न किया जाए, उसे कहा जाएगा फार्म एनिमल। जैसे आपका काव हो गया, बफल्लो हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया, हेन हो गया, जिसे पाला जाता है बेचने के लिए कमर्शियल पर्पस के लिए। पेट एनिमल क्या? जिसे हम लोग शौक से पालते हैं, जैसे कैट, डॉग, रैबिट, पैरोट, ये सब शौक से पाला जाता है, इसको बोलेंगे पेट एनिमल। तो दोनों टाइप के एनिमल, फार्म एनिमल और पेट एनिमल मिलके डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। देखिए यहां पे डिफरेंट डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल का नाम दिया हुआ है, पैरोट, काउ, बफल्लो, हेन, रैबिट, हॉर्स, गोट, फिश, सेप, डॉग, कैमल, डक, पिजन, हनीबी, कैट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यंग कैट को हम लोग किटन कहते हैं। देखिए यंग कैट को हम लोग किटन कहते हैं, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे है, या कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। अब आते हैं फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल। हमें एनिमल से क्या मिलता है? पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। दे गिव अस मिल्क, कैन यू राइट देयर नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जैसे ये क्या है आपका? बफल्लो है। ये क्या है? कैमल है। ये काव, ये गोट और ये शिप। ठीक है, तो नाम लिखते हैं एक एक करके। ये आपका शिप हुआ, ये आपका गोट हुआ, ये आपका काव हुआ, ये कैमल, ये बफल्लो। अब किस एनिमल से हमें एग मिलता है? ये डक हो गया, ये हेन हो गया, ये पिजन हो गया। डक, हेन एंड पिजन। अब कौन सा जानवर से हम लोग को मीट मिलता है? देखिए हेन, शिप, पिग, फिश। काव से हम लोग मीट नहीं खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, और सब जो खाते हैं लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। हेन, शिप, पिग, फिश। ठीक है, ये सब हमें मीट देती है। अब कहाँ से हमें उल मिलता है? अदर थिंग हम लोग को जानवर से हमने और क्या क्या मिलता है? जानवर से हमें लेदर मिलता है, हनी मिलता है, हनी बी से हनी मिलता है, उल मिलता है हमें, जो हम लोग उलन क्लोथ बनता है हमें, कहाँ से मिलता है? अब देखिए सिप से आएगा उल, रैबिट से भी आता है उल, और ये क्या है? याक से भी आएगा उल। तो याद कर, इसे अपने बुक में, इसे स्क्रीनशॉट लेके अपने बुक में लिख लीजिए, याद कीजिएगा। एक कहां से आएगा? ये तीनों से। मीट कहां से आएगा? इन चारों एनिमल से। मिल्क कहां से आएगा? इन चारों। एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। उल या फर कहां से आएगा? शिप, रैबिट एंड याक। अब देखिए लेदर कहां से आता है हमें? लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। देयर स्किन आफ्टर द डेथ इज यूज्ड एज लेदर। देखिए पहला क्या है आपका? क्रोकोडाइल।
क्रोकोडाइल लेदर के लिए यूज होता है। दूसरा क्या है? स्नेक। तीसरा क्या है? डियर। ये क्या है? कैमल। तो इन चारों का यूज होगा किसके लिए? लेदर के लिए। ओके, और हनी बी से हमें क्या मिलता है? हनी मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक बात याद रखिए, डॉग कैन सर्वाइव ऑन ए वेजिटेरियन डाइट। कुत्ता सिर्फ वेज खाना खाके, मतलब बिना मांस मछली खाके भी जिंदा रह सकता है, लेकिन बिल्ली को मांस मछली चाहिए, नॉन वेज फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए। ठीक है, ये याद रखिए, फन टू लर्न में दिया हुआ है। डॉग कैन सर्वाइव ऑन ए वेजिटेरियन डाइट बट कैट कैन नॉट सर्वाइव। सिल्क वर्म, सिल्क कहां से हमें मिलता है? हम लोग सिल्क वर्म से मिलता है। सिल्क वर्म एक स्मॉल इंसेक्ट है जहां से हम लोग सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिल्क से हम साड़ी, शर्ट, हैंडकरचीफ, बहुत सारा चीज बनाते हैं। इसे याद रखिए, सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। अब आते हैं एनिमल डैट मेक आवर वर्क इजी। एनिमल जो हमारे काम को इजी करता है। वी कीप सम एनिमल टू मेक आवर वर्क इजी। हम लोग बहुत सारे जानवर रखते हैं जो हमारे काम में मदद करें। बफल्लो, ऑक्सन, बुल्लॉक, कैमल, हॉर्सेस, डोंकी आर सम कॉमन एनिमल डैट वर्क फॉर अस। बफल्लो का क्या काम है? देखो, बफल्लो कार्ट को पुल करती है। ऑक्सन मतलब बैल, बैल हल चलाती है। डोंकी मतलब गधा, गधा सामान इधर से उधर लेके जाता है। हॉर्स मतलब हॉर्स राइडिंग में मदद करता है। ठीक है, एनिमल डैट कीप आवर डैट कीप फॉर आवर इंटरटेनमेंट एंड सिक्योरिटी। ऐसा जानवर जो हमारे इंटरटेनमेंट और सिक्योरिटी के लिए हो। वी कीप सम एनिमल एट होम फॉर आवर इंटरटेनमेंट। वी लव देम एंड केयर फॉर देम, दे टू लव अस। हम लोग बहुत सारे जानवर रखते हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने टाइम पास के लिए। हम लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, और जानवर भी हमें बहुत प्यार करता है। जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, और कॉमन पेट। डॉग और कैट क्या है? कॉमन पेट है। वी कीप डॉग इन आवर होम फॉर आवर सिक्योरिटी। डॉग अपना सिक्योरिटी का भी काम करता है। कोई भी अनजान आदमी आए तो उससे बात करेगा, उसे रोकेगा। सम पीपल कीप बर्ड सच एज पैरोट, डक और इवन रैबिट एज पेट। बहुत आदमी पैरोट, डक और रैबिट को भी रखते हैं पेट के रूप में। बहुत आदमी फिश को रखते हैं एक्वेरियम में। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। व्हाई डू वी कीप सम एनिमल, चलो ये चैप्टर कंप्लीट है। अब क्वेश्चन आंसर मैं एक कॉपी में लिख करके आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ ये याद रख लीजिए, इंटरटेनमेंट और सिक्योरिटी के लिए कौन सा जानवर हम लोग रखते हैं? कैट एंड डॉग, पैरोट, डग एंड रैबिट, फिश भी। ये सब जानवर हम लोग इंटरटेनमेंट और सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है, ये सब क्वेश्चन आंसर, ये सब हम लोग, मैं एक कॉपी में लिख दूंगा आप लोग के लिए, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब बता दिया जाएगा। तब तक मेरे क्वेश्चन आंसर कराने के पहले, या मेरा वीडियो देख रहे हैं जो, देखने के पहले एक बार चैप्टर को रीड कर लीजिए। रीड कर लीजिएगा तो चैप्टर समझने में सुविधा होगा। चलिए चैप्टर 4 में आते हैं। चैप्टर 4 है जंगल एनिमल। ठीक है, जंगल एनिमल, अभी 10 मिनट का ही वीडियो है, ये चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। जंगल एनिमल में देखिए क्या क्या आएगा। पहला आएगा वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल किसे कहते हैं? जो जंगल में रहे उसे वाइल्ड एनिमल कहेंगे। दिस इज बिकॉज डियर, मेनी अदर एनिमल, लायन, एलिफेंट। वाइल्ड एनिमल कौन कौन सा हुआ? लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, राइनोसेरोस हो गया, जेब्रा हो गया, बियर हो गया, जैकल्स लिव इन द जंगल। तो ऐसे जानवर जो जंगल में रहते हैं उसे क्या कहेंगे? वाइल्ड एनिमल।
हम लोग वाइल्ड एनिमल को पेट के रूप में नहीं रखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वेयर वाइल्ड एनिमल लिव इन द जंगल, तो क्या बोलोगे? वाइल्ड एनिमल टाइगर एंड बियर लिव इन केज, लायन लिव इन डेन। याद रखिएगा, लायन कहां पे रहता है? डेन में रहता है। टाइगर और बियर कहां पे रहेगा? केव में रहेगा। केव मतलब गुफा। और लायन का गुफा को क्या हम लोग कहते हैं? डेन कहते हैं, डेन। एलिफेंट कहां पे रहता है? एलिफेंट, डियर, ये सब क्या पेड़ पौधा के नीचे में रहेगा। हाँ, जंगल में पेड़ पौधा के नीचे में। एनिमल सच एज मंकी एंड चिंपैंजी कहां पे रहता है? पेड़ के ऊपर में रहता है। सम एनिमल लिव इन होल्स, कोई कोई जानवर जमीन में होल करके रहते हैं, जैसे रैट हो गया, चूहा हो गया, स्नेक हो गया, रैबिट हो गया, मंगूज हो गया, मोल्स हो गया, ये सब जमीन में होल करके अंदर में रहते हैं। तो इसको याद रखिए, कौन सा एनिमल बुरोज में रहता है होल करके? हो, रैट लिख लीजिए, रैबिट, स्नेक, इजी इजी स्पेलिंग नेम याद रखिएगा तो इजी रहेगा लिखने में। बर्ड लिव्स ऑन ट्री, बहुत सारे बर्ड ट्री में, ट्री पे रहते हैं। दे मेक नेस्ट फॉर लेइंग एग्स, कुकूज डू नॉट मेक। कुकूज मतलब कोयल। कोयल अपनी अपना घोंसला नहीं बनाता है, वह अपना अपना अंडा कौवा के घोंसले में दे देता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वह वहां से उड़ जाता है। तो यही लिखा हुआ है, कुकूज डू नॉट मेक नेस्ट, दे ले देयर एग्स इन द क्रो नेस्ट। वट वाइल्ड एनिमल ईट, वाइल्ड एनिमल क्या खाते हैं? सम एनिमल सच एज डियर, एलिफेंट, मंकी, हॉर्सेस ईट ओनली प्लांट। ज्यादातर एनिमल जैसे डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, मंकी, हॉर्सेस, ये सबसे प्लांट खाते हैं। तो इस टाइप के एनिमल को क्या बोलेंगे हम लोग? हर्बीवोर्स। ये प्लांट ईटिंग एनिमल है, तो प्लांट ईटिंग एनिमल को क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। और देखिए दिया हुआ भी है, डियर ईटिंग प्लांट, एलिफेंट ईटिंग प्लांट, मंकी ईटिंग बनाना। कार्निवोर किसे बोलेंगे? इसे याद रखिएगा, हर्बीवोर को याद रखिए। ईट ओनली प्लांट, याद रखिए, ईट ओनली प्लांट, इसे हर्बीवोर बोलेंगे। कार्निवोर किसे बोलेंगे? सम एनिमल किल अदर एनिमल एंड ईट देयर फ्लेश, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। कोई कोई एनिमल, सम एनिमल जो दूसरे जानवर को मार के खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्निवोर। क्या क्या हुआ एग्जाम्पल में? बिकास, लायन, टाइगर, उल्फ एंड क्रोकोडाइल। और इसमें से कोई कोई, ये सब जो कार्निवोर है ये सब शिकार करके मारते हैं। पहले शिकार करेंगे, जीवित जानवर को मारेंगे और खाएंगे। और कोई कोई जानवर है जो जानवर मर गया है उसे खाते हैं, तो उसको कहते हैं स्कैवेंजर। जो मरा हुआ जानवर को खाए, जो ऑलरेडी मर गया है उसे खा रहे हैं, उसे कहते हैं स्कैवेंजर। जैसे वल्चर हो गया, जैकल्स हो गया, हाइनाज हो गया, वाइल्ड डॉग हो गया, वाइल्ड क्रो हो गया, ये सब स्कैवेंजर है। सम एनिमल ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर। एग्जाम्पल याद रखिए, वल्चर, जैकल, हाइनाज, वाइल्ड डॉग एंड वाइल्ड क्रो। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता वाइल्ड एनिमल का पहले बहुत शिकार होता था, तो वाइल्ड एनिमल का पॉपुलेशन कम रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा कानून लगाया है कि वाइल्ड एनिमल को आप शिकार नहीं कर सकते हैं। इससे वाइल्ड एनिमल सबका पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। जैसे वी मस्ट प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल, एनिमल लाइक टाइगर, इंडियन राइनोसेरोस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पांडा हैव बिकम वेरी फ्यू इन नंबर। टाइगर, इंडियन राइनोसेरोस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब बहुत कम गए हैं। मेनी एंड मे सून नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और कुछ साल के बाद ये सब
एक्सटिंक्ट हो सकते, एक्सटिंक्ट मतलब अलोपित हो सकते, दिखेगा ही नहीं। जैसे वल्चर आप देखिएगा बहुत जगह नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, उनकी संख्या बहुत कम गई है। तो ऐसे जानवर जिनकी संख्या बहुत कम गई है उसको क्या कहते हैं, इनडेंजर्ड एनिमल। इनडेंजर्ड एनिमल के एग्जाम्पल याद रखिए, टाइगर, इंडियन राइनोसोरस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट हंट और किल एनिमल एंड शुड प्रोटेक्ट देम। और फॉरेस्ट को हमें बढ़ाना चाहिए। अगर फॉरेस्ट क्या है, वाइल्ड एनिमल का घर है, फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो वाइल्ड एनिमल कहाँ रहेंगे। तो हमें वी शुड नॉट कट ट्री एंड क्लियर फॉरेस्ट, व्हेन वी डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल बिकम होमलेस। अगर हम जंगल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो जंगली जानवर सब बेघर हो जाएंगे। तो ये चैप्टर भी देखिए आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसका क्वेश्चन आंसर मैं फेयर कॉपी में, सेपरेट फेयर कॉपी में लिख के आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन आंसर। चलिए वीडियो एंड करने के पहले एक और रिक्वेस्ट है, लाइक एंड कमेंट किया कीजिए। गुड बाय।